नहीं बैठ रही है मेरी। सबसे मुश्किल मरला यही होता है दोस्तों कि जब हमने कबूतर बंद करने होते हैं और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कहाँ से जाना है। अब जान उसको गोला को जाना अंदर है लेकिन उसको दरवाज़ा नहीं मिल रहा। अब सरदार भाई भी मदद करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि अंदर जाते हैं या नहीं जा पाते। बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों, यकीन करें। मगरिब की अजान होने वाली है। मगरिब की अजान हो गई है। हो गई। देखो उधर चला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, शाद आबाद होंगे। तो यार मैं सेटअप पर हूँ आज। हम घर नहीं गए थे, मैं और अदादार अपने घर नहीं गए थे, जहाँ पर हमारा सेटअप है वहीं पर ही थे। तो अभी मैं छत पर आया हूँ, तकरीबन डेढ़ का टाइम है दोस्तों। लेकिन सीन ये है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, यकीन करें आप। कराची का टेम्परेचर इस टाइम 38 डिग्री पर चल रहा है। तो सोचें मेरा ये हाल है, मेरी मैं बात जो कर रहा हूँ तो गला खुश्क हो रहा है मेरा। तो बेचारे हमारे बर्ड्स का क्या होगा। तो एक नज़र अपने बर्ड्स पर डाल लेते हैं कि सब ठीक ठाक हैं। इसके अलावा इसके बाद दोस्तों हम छिड़काव कर देंगे छत पे ताकि माहौल ठंडा हो जाए। तो दोस्तों बजीज हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। देखें ना, इन्होंने सारी डंडियाँ दोबारा से गिरा दी। बाकी हमारी लकी कबूतरी दोस्तों कल से ऐसे बैठी हुई है, शायद ये अंडा दे अब, क्योंकि हमने इसकी जगह चेंज कर दी थी तो इसने अंडे पर बैठना मतलब बैठना छोड़ ही दिया था। तो अब दोबारा से इसने कोई जगह ढूँढी है, तो दुआ कर देंगे अंडा दे दे। बाकी यार हमारे बर्ड्स पानी वगैरह इनका रखा हुआ है, दाना भी पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, चिक्स भी ठीक है दोस्तों। छिड़काव कर लेते हैं यार इनका ताकि ये थोड़ा ठंडा माहौल में रह सके, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। तो छिड़काव कर लेते हैं दोस्तों। गर्मी की शिद्दत चेक करें दोस्तों, अभी मैंने बस छिड़काव किया और फौरन ही सूख गया। दीवारें पर हैं लेकिन ये जो फर्श है इतना गर्म हुआ हुआ है कि मैंने जैसे ही पानी डाला फौरन सारा सूखता जा रहा है। खैर अभी सीन ये है कि अभी हमारे दो जो शिराजी कबूतर हैं और एक हमारा गोला कबूतर इधर तारों पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये कहीं जाते नहीं हैं। पहले भी बैठे हुए हैं कई दफ़ा तारों पर, लेकिन फिर ये है कि इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। करंट ना लग जाए यार इन्हें, इस छत के ऊपर आके बैठ जाते हैं दोस्तों। फिर अपनी मर्ज़ी से जब उनका दिल करता है तो वो अंदर आ जाते हैं। बात ये है कि अभी मैंने देखा कि हमारा जो किंग था दोस्तों कल से बीमार था और आज किंग भी मर गया है। आपको दिखा देता हूँ कि जब मैंने ये दरवाज़ा खोला तो ये मरा हुआ ही था। अगर बीमार वगैरह होता तो इसको ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन आप देख सकते हैं कि किंग जो है अब नहीं रहा, मर चुका है। अभी जो है दोस्तों इसको दफन कर देते हैं हम कहीं पर। रदार भाई बात भी नहीं कर रहे, परेशान है बेचारे। पैसों से यार बड़ी महंगी चीज़ें हैं ये जो हम लाए थे इस संडे को। तो खैर दफनाऊँ मैं इसे यार, पता नहीं दोस्तों हमारे सेटअप पर ऐसी अनाप शनाप चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब कॉकटेल जो है ये वाला हमारे इस वाले भजी के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि आपके जो कॉकटेल है वो मस्ती नहीं कर रहे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। कल जो है हमारे कॉकटेल आपस में मस्ती कर रहे थे, तो इंशाल्लाह इनके भी ब्रीडिंग के चांसेस हैं। और इसके अलावा हमारा जो चांदना है वो अकेला हो गया, इसके लिए हमें इसकी नर मादा लानी पड़ेगी इंशाल्लाह, वो भी लाते हैं जल्दी। तो बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है दोस्तों मैं क्या बताऊँ यार, पसीना रुक नहीं रहा। अभी मैं मुँह हाथ धो के आया हूँ, लेकिन भाई दफन कर दिया मैंने उसको यार, किंग को। एक भाई कमेंट बॉक्स में कह रहे थे, काफ़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने कि भाई जब आपका कोई परिंदा मरे तो परेशान ना हुआ करें, ये आपकी जान का सदका हो जाता है। तो शायद ऐसा हो तो हम परेशान नहीं होते दोस्तों। कवे आके गोला के साथ बैठ गया। आओ 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 आओ, उसको अब जगह ही नहीं मिल रही।
तो यार अभी जो मैंने छिड़काव किया उसका सारा पानी दोस्तों इधर भर गया यार। अब इसको निकालते हैं यार फटाफट से, वरना हमारे चिक्स जो हैं ये पीते ही रहेंगे। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ यार। पानी जो है दोस्तों मैंने काफ़ी हद तक निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं ये जो गुलदस्ता हमने बेल लाई थी उसका, इसके अंदर मैंने वो आर्टिफिशियल पत्ते रख दिए, तो इससे है कि थोड़ी सी खूबसूरती आ गई, कुछ ना कुछ तो आ गई। बाकी काफ़ी सारे भाई मटकियों का कह रहे थे, तो इंशाल्लाह वो भी लगाते हैं यार इनके केज में। और अभी तक ये तीन वैसे ही बैठे हुए हैं, पता नहीं किसकी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों इन्हें, क्योंकि वरना इन्होंने यहीं पर ही बैठे रहना है। आओ आओ, लकी कबूतर को पकड़ के उड़ाते हैं दोस्तों, शायद उसको देख के। आओ 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 आओ, कैसे पकड़ा ये अपनी मर्जी से ही आने हैं दोस्तों। हम जितना ही इनको बुलाते रहें चीक चीक के हमारा गला बैठ जाएगा, लेकिन कबूतर जो है हमारे वो ऐसे ही तारों पे बैठे रहेंगे। तो अपना स्टेमिना ज़ाया नहीं करते और इनको ऐसे बैठे रहने देते हैं, जब इनकी मर्जी होगी आ जाएंगे। इसको जो है दोस्तों लगाने की कोशिश करते हैं हम। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो हमने गमला बनाया है इसको हम अपने पैरेट्स के ऐसे बीच में रख दें, ताकि ये हरियाली थोड़ी फील कर सकें। यस, ये नहीं उतर रहे। नहीं, दे आर परमानेंट। व्हाइट कढ़ाई बनाई है ये। तो यार अभी टाइम है कमेंट हाईलाइट कर देने का, सरदार भाई आप आ जाए तो कमेंट हम हाईलाइट कर दें दो। वो कमेंट तो बड़ा मज़ेदार था जब मैं कल पढ़ा था, मैं देखता हूँ कौन सा था दोस्तों, तो अभी कमेंट हाईलाइट कर देते हैं। तो दोस्तों पहला कमेंट इज़ दैट हमारे कोई अज़हर हुसैन भाई जान थे, वो कमेंट करते हैं जब मैंने अपने 3 दिन से वीडियोज़ नहीं डाली थी दोस्तों, तो कमेंट आया उनका कि भाई मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई क्योंकि आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की मैंने आज रोटी खा ली, वो कह रहे हैं। और आप मेहरबानी करके मुझे भूखा ना रहने दिया करें, आप वीडियो डाला करें ताकि मैं खाना खा सकूं। तो इस बात पे यार मुझे बहुत हंसी आई, अटेंशन सीकर ही है कोई बंदा, ऐसा तो नहीं है कि मेरे आने से वो रोटी खाएगा और मेरे नहीं आने से रोटी नहीं खाएगा। तो खैर दूसरा कमेंट जो है वो आज़ादार भाई खुद हाईलाइट करेंगे अपने प्यारे से होंठों से, तो बिस्मिल्लाह भाई। तो यार मैं जो है दूसरा कमेंट हाईलाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर राणा ताह साहब का, जिन्होंने कहा है कि यार प्यार जो है दो तरफ़ा दिखाएं आप लोग भी, हम जिस तरह आपसे मोहब्बत करते हैं इसी तरह कोशिश किया करें कि आप लोग भी अपनी जो डेली वीडियोज़ है अपलोड किया करें, हमें काफ़ी इंतज़ार रहता है। तो यार बस क्या करें, सरकमस्टांसेस की बात है, हालात साथ नहीं दे रहे, वरना हम पूरी कोशिश करते हैं यार हम अपनी वीडियोस जो है डेली अपलोड किया करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे आपको शिकायत का मौका ना दें। यार आप लोगों का प्यार देख के यार दिल जो है दरिया हो जाता है, तो इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें। बाय द वे, लव हो गया ब्रदर, पेट्रोल महंगा है।